रायपुर में आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी बैठक। मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर हो सकती है विशेष चर्चा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होनी है आज। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होनी है और 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी बैठक। मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर हो सकती है विशेष चर्चा। तो आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक है। साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर लेकर भी चर्चा की जा सकती है। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बैठक के, जानूंगी। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए मेरे साथ रायपुर से। रोहित, साय कैबिनेट बैठक है आज, उसके क्या कुछ खास मुद्दे रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अंजलि, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है क्योंकि विधानसभा का सत्र भी 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। इससे पूर्व में आज ये बैठक कई मायनों पे महत्वपूर्ण दिखाई जा रही है। मॉनसून सत्र, मॉनसून और रेडी टू ईट को लेकर प्रमुख चर्चा होने वाली है। मॉनसून सत्र पे जो विधेयक लाए जाने वाले हैं उनको अंतिम कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा कौन से विधेयक में क्या संशोधन किए जा सकता है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मॉनसून में बुआई का समय है, खेती किसानी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा खाद बीज की उपलब्धता पर भी जो चर्चा है वो की जाएगी। इसके अलावा रेडी टू ईट, पिछली सरकार ने रेडी टू ईट जो कुपोषित बच्चे या गर्भवती महिलाओं को खाना दिया जाता है वो उसका काम एक निजी एजेंसी को सौंप दिया गया था, जिसके बाद से लगातार महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की ओर से इसका विरोध किया जा रहा था। कई बार महिला स्वास्थ्य सहायता समूह ने अधिकारियों से, मंत्रियों से भी मुलाकात की थी लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। तो आज रेडी टू ईट को लेकर भी चर्चा की जाएगी और उसका काम फिर से महिलाओं को सौंपने को लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा कई प्रमुख और एजेंडे हैं जिन पर छोटे छोटे फैसले आने के संभव हुए। तो कई मायनों पर महत्वपूर्ण यह बैठक है। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में शुरू होगी बैठक। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जन कल्याण योजनाओं से जुड़ी यह बैठक होने वाली है, साथ ही साथ आगामी विधानसभा सत्र की भी चर्चा की जाएगी।